ये सरकार की नीतियाँ और कॉरपोरेट सेक्टर को मदद करने के कारण और जिस प्रकार की जो है वो सैनिक बल का उपयोग करना और लोगों को बेदखल करना, उसकी वजह से नक्सलवादियों को आदिवासियों का समर्थन मिल रहा है, ऐसा आपने कहा। इस परिस्थिति से निपटने का एक स्थायी इसका हल निकालने का आपको क्या उपाय लगता है कि क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा तो एक तो मैंने कहा कि कोई आदमी तब लड़ता है जब वो मुसीबत में और असुरक्षा में होता है, तो आदिवासी को सुरक्षा का एहसास कराया जाए इसलिए, और सैन्य बलों की उपस्थिति में वो असुरक्षित महसूस करता है इसलिए सैन्य बलों को वापस लिया जाए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल किया जाए और न्याय की पुनर्स्थापना हो। जिन लोगों पर हमले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनको पुनः दोबारा गांव में बसाया जाए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल किया जाए, और जिन लोगों ने आदिवासियों पर हमले किए हैं, गांव के गांव जला दिए हैं, बच्चियों से बलात्कार हुए हैं, नौजवानों के कत्ल हुए हैं, उन पुलिस अधिकारियों पर, एसपीओस पर, सलवा जुड़ुम के नेताओं पर मुकदमे शुरू किए जाए। लोगों को ये एहसास हो कि जिन्होंने हम पर जुल्म किया उनको सज़ा मिली है। ये प्रोसेस जब तक शुरू नहीं किया जाएगा वहाँ शांति नहीं आ सकती। और हम लोग गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर हम ये काम वहाँ कर रहे थे। हमने इस देश के गृहमंत्री से भी कहा कि देखिए, आपको आकर आदिवासियों से बात करनी चाहिए ताकि आदिवासी को महसूस हो कि इस देश की सरकार उसकी बात सुनना चाहती है। उन्होंने वो मौका गंवा दिया। तो आज भी लोगों को न्याय दिया जाए, उनको दोबारा बसाया जाए गांव में, और सरकार जाकर आदिवासी से बात करे, यही तरीका है, हम वहां शांति स्थापित कर सकते हैं और जो नक्सलवाद बढ़ रहा है उसको थाम सकते हैं, रोक सकते हैं।